दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की कहानी है पिता की चार सीख। इस कहानी में आज आप सुनेंगे कि जब एक पिता अपने बेटे को अपना जीवन संभालने के लिए चार बातें सिखाता है तो बेटा उन चार बातों का अर्थ क्या निकालता है, क्योंकि बातें सुनने में आसान थीं, किंतु उनके अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। और जब बेटे को कहानी के अंत में चारों बातों के सही अर्थ पता लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल ना समझ था। उसे बाहरी दुनिया भी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए चार बातें सिखाई। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाए तो छांव में जाना और छांव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ यानी बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को चार बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की चार बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था कभी भी काम पर जाए तो छाया में जाना और छाव में ही वापस आना। क्योंकि पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीजें बनवाता, जैसे हलवा खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जाओ ना समझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की चार बातों के सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छांव में जाना और छांव में आना, इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आना चाहिए, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोहमाया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको, क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना, इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चारों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना, इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह कहकर भोजन को
भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है, यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना, इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब जानते हो कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आजादी छीनने की कोशिश करोगे तो अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के कुछ और होते हैं, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और, अब बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी, इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। पिता की चार सीख हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपना कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। कहानी को सुनने एवं देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।